जिस तालाब के पास से लोग गुजरने से डरते थे कहीं बीमारी ना हो जाए, अब महज कुछ महीनों में उस तालाब के पास सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ मौज मस्ती करती नजर आ रही है। दरअसल आमापारा के कारी तालाब के पास शहर का कचरा डंप होता था, लेकिन अब उस तालाब की सफाई और सौंदर्यकरण के लिए करीब 3 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत तालाब को गहरा किया जा रहा है। निगम अफसरों का दावा है कि इस तालाब को कटोरा तालाब की तर्ज पर बनाया जाएगा। आपका दिन बदलने वाला है, क्योंकि सौंदर्यीकरण के तहत इस तालाब को मरीन ड्राइव के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही 12 तालाब को डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कारी तालाब वो जगह है जहाँ पे शहर के ये तमाम कचरा को यहाँ इकट्ठा किया जाता था, जहाँ यहाँ से लोग गुजरने में ये दहशत में रहते थे, कहीं खुजली ना हो जाए, बदबू के मार से परेशान रहते थे, यहाँ से लोग गुजरने से कतराते थे। लेकिन निगम के प्लान है कि यहाँ पे लोग सैर करने आए, घूमने आए, इसके लिए मरीन ड्राइव के तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे साइट सुपरवाइजर और कुछ कर्मचारी है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये कितने दिनों से काम चल रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट किया जाएगा। जी, कि यहाँ पे क्या क्या बनाया जाएगा और कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? ये काम लगभग 10 महीने हो गया है। इसमें अपना नाली का काम हुआ है और तालाब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, और अपने को इसमें तालाब सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसमें फुहारा जैसे और गार्डन हो गया, पेड़ पौधे, लोगों के आवागमन के लिए चहल पहल के लिए पाथवे बनना है। और क्या बनना है? और इसमें पार्किंग है और अपना चौपाटी वगैरह हो गया। इसको पूर्ण रूप के डेवलप होने में कितना समय लग सकता है, पूरा अपने अस्तित्व में आने? इसको लगभग वही 3 से 4 महीने में कंप्लीट करने का एक कोशिश है अपना जो कॉन्ट्रेक्टर है, तो 3 से 4 महीने में हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि तालाब का कार्य जो होना था वो लगभग पूरा होने के कगार पे है। तो अपना खाली वही रह गया है, इसमें जो पिचिंग का काम है वो और अपना गार्डन है, घास लगना है, पेड़ पौधे, खाली वही कार्य बाकी है। तो इसमें अपना बारिश के साथ साथ बारिश के निपटते तक वही लगभग 1-8 महीने और लग जाएगा बारिश के बाद में। मरीन ड्राइव जैसे इसको बनाने की बात हो रही है, तो क्या वैसा ये डेवलप हो पाएगा, क्योंकि सामने मार्केट है, तो क्या इनको हटाने का कोई प्लान है, क्या है? जी, इसको देखो, ये मरीन ड्राइव बनाना ही है, तो इसमें एक ब्रेक वही अपना जो मटन मार्केट है, क्या तालाब सौंदर्यीकरण का काम है, तो अपना ये सब इस जगह पे ये मार्केट वगैरह तो रहना नहीं चाहिए, और इसको निगम वाले हटाने में ही लगे हुए हैं। जाए जी, तो अभी यहाँ पे साइट सुपरवाइजर को आपने सुना, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दृश्य आपको दिखाए जहाँ पे ये काम जारी है, कि ये किस तरह से यहाँ पे पहले कचरा डंप यार्ड था जिसको हटाकर एक सौंदर्यीकरण तालाब बनाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को घूमने फिरने, मौज मस्ती, खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये नजारा आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल ये अपने अस्तित्व में नहीं है, यहाँ पे काम जारी है, कुछ ही दिनों में इसका बदला हुआ स्वरूप आपके सामने आएगा। जैसे तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव है, ठीक वैसे ही इसको अस्तित्व में लाया जाएगा, और ठीक वही प्रयास की जा रही है। तो कैमरा में राहुल के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।